नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। आज मैं किसान भाइयों को अपनी पहली मसूर की प्रजाति IPL 316 के बारे में बताना चाहता हूँ। यह प्रजाति 2013 में अनुमोदित हुई किसानों के लिए, और इस प्रजाति की खासियत है कि ये बड़े दाने वाली प्रजाति है, और बड़े दाने के होने के साथ साथ इसके जो दाने का रंग है वो जो काफ़ी जो है मतलब ब्राउन कलर का है, भूरे कलर की जो है इसके दाने होते हैं, और अंदर से जो है लाल दाने होते हैं। भारत के मध्य क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया, और आपके छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो पूर्वी एरिया है उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित प्रजाति है। इस प्रजाति की जो अधिकतम उपज है 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो उपज जो पकने की अवधि है वो 110 से 120 दिन है, और किसान भाई इसको जो है इसकी अच्छी पैदावार, अधिकतम पैदावार 30 कुंटल तक भी ले सकते हैं। तो अगर मसूर के इसकी खेती करें तो मसूर में अगर सिंचाई की व्यवस्था देखें तो मसूर में ज़्यादा जो है पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और जितनी भी मसूर की खेती की जाती है वो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में की जाती है। तो सबसे पहले जो है पलेवा करके बोएं, दूसरे 50 से 60 दिन पे इसको एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होगी। अगर बारिश उस समय हो जाती है तो उस सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होगी। मध्य क्षेत्र में जो है उकटा रोग बहुत लगता है, तो इस प्रजाति की विशेषता है कि ये उकटा रोग को जो है सहन कर सकती है, और उकटा रोग के साथ साथ जो रतवा रोग आता है वो भी इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता इसमें होती है। तो किसान भाई इस मध्य क्षेत्र में इसकी जो है पैदावार ले सकते हैं। IPL 316 के अगर भंडारण की बात करें तो आप इसके जो है भंडारण करने के लिए पहले तो इसमें जो दानों में नमी की जो मात्रा होनी चाहिए 10% के आसपास होनी चाहिए, या 10% से कम ही होनी चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा अगर भंडारण के समय इसमें जो है वो रहेगा, नमी रहेगी दानों में, तो उसमें जो है आपके ब्रूकिट जो आपके लगने की जो है संभावना ज़्यादा रहेगी।